हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत है और आपकी रिक्वेस्ट पर फिर मैं हेलो मेकिंग लेके आई हूँ और बताऊँगी मैं कि हमने ये कितने मिली है और जो हमारी फेलो थी वो हमने कितने में सेल की है, इसमें उसमें कितना डिफरेंस है, इसका मेल मतलब कि काफ है, मेल है फीमेल है, सब बताऊँगी वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले मैं इसको दूध पिला देती हूँ एक बार। ये अभी आज ये 4 दिन की हो गई है। ये है, सबसे पहले बता देती हूँ क्या फीमेल का इसका, और इसको मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो हमारी पहले भैंस थी वो हमने कितने में सेल की है और इसको हमने कितने में लिया है, तो आप मतलब बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और ये मतलब अभी बता रही थी ना 4 दिन की हो गई है, लेकिन इसको अभी भी दूध पीना नहीं आता। मतलब तो जैसे कटड़ा होता है ना, कटड़ा थोड़ा हा मतलब क्या बोलते हैं कि एक्टिव नहीं होता, लेकिन जो कटड़ी होती है वो जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, लेकिन ये कटड़े की जैसे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है ना। तो मतलब चलते टाइम ही इसको धक्का से मतलब कि पुश करना पड़ता है तब चलती है ये। और देखो फिर इसके यहाँ से चिपक गई, इसको नहीं पकड़, इसको इसको पकड़े, इसको 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 हाँ। मतलब सुना है मैंने कि जो फीमेल काफ होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है बिल्कुल। मैंने कल भी फेलो मिल्किंग की वीडियो अपलोड की थी और आपने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया, थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि जो वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ आप उसको और भी मतलब कि प्यार और सपोर्ट दें, और आप मेरी वीडियो को शेयर नहीं करते और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फिर लाइक करने में क्या जाता है, तो वीडियो को लाइक भी करें और अच्छी लगे तो शेयर भी करें, क्योंकि आपको पसंद आती है अगर आप किसी और के पास शेयर करेंगे तो उसको भी पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और फ्रेंड्स मक्खी बहुत ज़्यादा हो गई है,
मतलब मच्छर की तरह काटती है, पता नहीं अभी काट लिया। बारिश का मौसम हो गया ना, इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो गई है। ये तो फिर भी ठीक है, दूध दे देती है, लेकिन गायें तो बहुत परेशान करती है। एक रह गया बस, उसको भी ले। छोटे ही है इसलिए थोड़ा आराम आराम से पीती है, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। तो मतलब इसको तो दूध पिलाना ज़रूरी है, इसलिए मैं जितना मतलब कि इसका पेट भर जाए इतना तो ज़रूरी है, क्योंकि अब पिएगी इसको फिर मॉर्निंग में दूध मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम इसको बाद में दूध पिला देंगे, इसलिए इसका पेट भरना ज़रूरी है। और फिर जब इसका पेट भर जाएगा, जो बच जाएगा उसका फिर हम वो दूध निकाल लेंगे। देखो कितने प्यार से पी रही, दिखाऊं आपको, ये देखो। बिल्कुल बच्चे की तरह, क्यों बच्चा ही है ये अभी तो, बहुत क्यूट लगता है छोटा बच्चा। और यहाँ से चेक करो कि इसका पेट भर गया है या नहीं। भर गया है इसका पेट, बिल्कुल टाइट हो गई है। और अभी इसके बाद थोड़ी देर में बांध देती हूँ बस इसको, मतलब कि मुझसे नहीं बनती। एक तो ये सरकती नहीं है बिल्कुल भी, पीछे जाती है, और वैसे बच्चा है तो पीछे ही जाता है, लेकिन कटोरी होती है जो एक्टिव होती है वो चल पड़ती है, लेकिन ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, चलती नहीं है। इसलिए इसको बांध देती हूँ। इसका पेट भर गया है, छोड़ चल। अभी कर लेते हैं मिल्की, हाँ धो लेते हैं एक बार। से दिखाऊंगी मैं आपको, फ्रेंड्स अगर मैं दोनों में मतलब डिफरेंस बताऊं तो जो उसकी मिल्किंग थी बहुत इजी थी।
थी जैसे गाय की होती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी उससे हार्ड है। मतलब जब मैं इसकी मिल्किंग करती हूँ तो मेरे हाथों में दर्द हो जाता है। लेकिन उसकी मैंने एक ही बार की थी, लेकिन मुझे पता नहीं लगा कि डिफरेंस नहीं लगा कि मैं गाय की कर रही हूँ या भैंस की। सबसे बड़ी अच्छी बात मतलब उसकी वो थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरी चीज़ देखें तो वो इससे सुंदर थी, इससे ऊंची भी थी वो। और अगर इसकी खास बात बताऊं तो इसका मतलब कि दूध में ये उससे अच्छी है, इसलिए हमने उसको सेल कर दिया था क्योंकि उसमें मतलब दूध कम था। और एक वो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कुछ खाती नहीं थी, मतलब बहुत कम थी उसकी डाइट, इस वजह से हमने जो अगर कुछ खाएगी नहीं तो फिर दूध कहाँ से लेगी वो, इस वजह से भी हमने उसको सेल कर दिया। वैसे बहुत सुंदर थी वो, मतलब जैसे जो सींग वगैरह होते हैं हर चीज़ से, मतलब शरीर से और ऐसे हर लुक में मतलब अच्छी थी। लेकिन जो भैंस होती है हम लुक से ज़्यादा मतलब ये देखते हैं कि दूध कितना देगी वो। मतलब कई कमेंट में कल कई क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं सभी का रिप्लाई दूंगी एक एक करके। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप। मेरे पास काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है कि आप वो फैलो मिल्किंग करो, और मतलब कि ये भी हमारे पास और तो हमने शेयर कर दिया और अब हमने दोबारा से लिया इसको, और इसकी डिलीवरी यहीं आकर हुई है। जब हम लेकर आए थे इसको तब उसी दिन हो गई थी इसकी डिलीवरी, जिस दिन हम इसको लेके आए थे। हम लेके आए थे इसको मंगलवार को, ट्यूसडे को लेके आए थे। मैं इसका कि हमने उसको कितने में सेल किया है, हम में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, सारी बात बताऊंगी मैं आपको। जो उसका कलरा था ना बिल्कुल अपनी माँ पे था, बहुत सुंदर था वो। ये भी है तो सुंदर, लेकिन वो बिल्कुल सेम टू सेम अपनी माँ पे था। और जो जिसको मतलब हमने अपने गांव में ही उसको सेल किया है, गांव के ही लेके गए हैं, कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर देखने चाहूँगी उसको। है कोई भी चीज़ हो, जानवर हो, पशु हो, मतलब कि इंसान हो, अगर वो हमारे साथ कुछ टाइम के लिए रह लेता है तो उससे हमारी अटैचमेंट हो जाती है। ये तो फिर भी पशु है, कोई चीज़ भी हो ना छोटी, मतलब कुछ भी हो तो उससे भी हमारी अटैचमेंट हो जाती है।
बच्चा ले जाओ तर मैं इसके दोबारा से ठंड धो देती हूँ क्योंकि अभी थोड़े दिन का हुआ है इसका, ताकि फट ना जाए इसलिए धोना जरूरी होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अगर कुछ बातें भूल गई हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी, मतलब कि हो सकता है कुछ भूल गई हूँ, याद नहीं होगी मुझे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओके बाय एंड टेक केयर।